प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एक बार फिर दुनिया के सामने किरकिरी हो गई। दरअसल कनाडा में एक मंदिर के बाहर हिंदू श्रद्धालुओं के साथ कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने मारपीट की, जिसमें ट्रूडो सरकार की पुलिस की भी मिलीभगत सामने आई। हिंदू जो है वो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन फील कर रहा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। जानबूझकर हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है, पीएम ने कहा है, हिंदुओं पर हमला कायरतापूर्ण कार्रवाई है। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत ने अपनी ताकत को असरो रसूख को, उन्होंने कहा कि आप इंडिया को कमजोर नहीं कर सकते, यानी अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमजोर हो जाएगा, इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंस है उसको आप वीक कर पाएंगे या तो इस, ये नहीं हो सकता। कनाडा की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है, आप कनाडा के फ्लैग को जला सकते हो, आप इजरायली फ्लैग को जला सकते हो, आप भारत के फ्लैग को जला सकते हो, लेकिन अगर किसी ने खालिस्तानी फ्लैग को छुआ भी तो पुलिस आपके पीछे पड़ जाती है। अगर उन्हें कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो वो कनाडा में ही बना लें। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर इतना शौक हो रहा है खालिस्तान बनाने का तो आप कैनेडियन गवर्नमेंट जब आपको इतना सपोर्ट कर रही है तो आप लोग कनाडा में क्यों नहीं बना लेते। अब ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमेशा इंडिया और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। सो इट मींस दैट दे आर ऑलवेज लाइक दिस, सो दे आर कॉलिंग दिस, इंडियंस आर कॉलिंग दैट दिस इज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। कनाडा के साथ उसका इतना ज्यादा, अब इसको कहते हैं ना कि 36 का आंकड़ा हो चुका है कि वो कनाडा को आंखें दिखा रहा है। इंडिया कहता जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से खतरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें खतरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा कि जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल कनाडा के अंदर एक हिंदू मंदिर के अंदर खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर अटैक किया, जिसके बाद से पूरे भारतवर्ष में इस समय गुस्से का माहौल है। ऊपर से खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि इसमें कैनेडियन पुलिस भी शामिल थी, यानी कि खालिस्तानी जो भी वहाँ पर करते हैं उस पर उन्हें कैनेडियन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। ये देखने के बाद पूरी दुनिया भी कनाडा के दोखलेपन को समझ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार बचाने के लिए किन किन हथकंडों को अपना रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज़ समथिंग न्यू अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वॉयलेंस हो रहा है और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कैनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा इंडिया और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। सो इट मींस दैट दे आर ऑलवेज लाइक दिस, सो दे आर कॉलिंग दिस, इंडियंस आर कॉलिंग दैट दिस इज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज़ अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया मशीन, नोबडी ऑन अर्थ कैन कम्पीट द इंडियन मीडिया मशीन। ये मैं आपको बात बताऊं, कनाडा के इंसिडेंट के बाद ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद आप देख लें ये चीज़ जो है एक नई चीज़ सामने आ रही है, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ टाइम। ठीक है जी, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है और जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि पाकिस्तान को जो कि सारी सिचुएशन से बाहर है और पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे
कनाडा की जो टूरिज्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहे हैं, क्योंकि अब हर मुल्क गैप देखे है ना, उन्होंने गैप देखा कि इंडिया ने गैप, इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में गैप आ गया, पाकिस्तान कह रहा है टूरिस्ट वहाँ से आए, जो हैं बांग्लादेशी कह रहे हैं टूरिस्ट वहाँ से आए, नेपाल कह रहे हैं टूरिस्ट वहाँ पे आए, क्योंकि इंडिया तो जाने वाले नहीं है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से। अब इंडिया कहता जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से खतरा, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे, वो ये कहते हैं कि हमें खतरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे, और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा कि एक दो तीन चार जितने मर्जी साल लग जाएं, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें इंगेज करेंगे, हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया, उन्होंने कहा जी नहीं ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। सो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, इसको अब क्या होगा, इसको सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इसको सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इंडिया का एक इम्प्रेशन बाहर निकल आएगा कि भाई इंडिया जो है वो टेक ऑन टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर, और कनाडा इस पे खुद जो है वो अपने आप को मौका दे रहा है कि इंडिया को के बोले कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी क्योंकि इसके ऊपर बात की है और उन्होंने जो है वो इसके ऊपर क्या कहा है आपके सामने रखे रहते हैं, ट्वीट किया है पीएम मोदी ने, इसके ऊपर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि आई स्ट्रॉन्गली कंडेम द डेलिब्रेट अटैक ऑन हिंदू टेंपल्स इन कनाडा, इक्वली अपेलिंग आर द कॉवर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आवर डिप्लोमेट्स, सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस विल नेवर वीकन इंडियाज रिजॉल्व, वी एक्सपेक्ट द कैनेडियन गवर्नमेंट टू एंश्योर जस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। अच्छा, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया मोदी साहब ने, इसके अंदर एक चीज जो उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा ये जो किया जा रहा है तो ये यू विल नेवर वीकन इंडियाज रिजॉल्व, उन्होंने कहा कि आप इंडिया को कमजोर नहीं कर सकते, यानी अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमजोर हो जाएगा या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंड है उसको आप वीक कर पाएंगे या, तो इस ये नहीं हो सकता।